आजम बमदे बे सरो सामा मददे तिबले दी मददे काबे इमा मददे। इसाई डॉक्टर ने मेरे साथ मिलके पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लिया सल्ली वसल्लिम वबारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद النبي الأمي الحبيب العظيم العالي القدر الجاه وآله وصحبه وبارك وسلم. Respected elders, respected mothers, sisters, all those who are listening and watching, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, it is a month of Shawwal Mukarram. In this month, there is a very important day, 15th Shawwal, is marked as a date in which the second battle of Islam held, which is Ghazwa-e Uhud. And in this battle, many, many companions, more than 50 companions amongst from the Ansar, they passed away, they martyred in this battle. And amongst them, one of the great, great companion, the leader, the paternal uncle of beloved Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, is known as Sher-e-Khuda, Sayyidina Shaheed Sayyidul Shuhada Amir-e-Hamza radiyallahu ta'ala alayhi. To 15 Shawwal ko aapki shahadat bhi hui. Inshallah ul-azim, thodi der inhi ke hawale se hum kuch baat karenge. Ab jante hain ke shuhada ka martaba Allah ki bargah mein kya hai. फरमाया गया शहीद के लिए अल्लाह ने सात वादे किए हैं, सात वादे, सेवन प्रॉमिस अल्लाह मेड फॉर मार्टर्स। जो शहीद होते हैं अल्लाह की राह में, उनके लिए अल्लाह ने सात वादे किए। पहला वादा ये है कि जो भी अल्लाह की राह में शहीद होगा, उसके खून का कतरा अभी जमीन पे नहीं गिरेगा, अल्लाह उस पर जन्नत को वाजिब कर देगा, अल्लाह जन्नत उस पर वाजिब कर देगा। और फिर जब वो जन्नत में जाए तो जन्नत की हूर, हूर-ए-ईन कहा गया सूरह वाकया में, जिसका तस्करा कहा गया कि उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी होंगी, क्योंकि आंखों का बड़ा होना वो भी खूबसूरती की अलामत मानी जाती है। वो हूरें उनका इंतजार करेंगी जन्नत में। इस तरह के सात वादे अल्लाह ने शुहदा के लिए फरमाए। और कुरान मजीद में मुतअद्दिद जगह अल्लाह ने फरमाया कि जो शहीद होते हैं, दोज हु दे सैक्रिफाइस देयर लाइफ द वे ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, डोंट कंसीडर देम एज डेड, दे आर नॉट डेड पीपल, दे आर अलाइव, बट यू डोंट अंडरस्टैंड देयर लाइफ, वो जिंदा है लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। देयर लाइफ इज मच बेटर देन योर्स, तुम्हारी जिंदगी से बहुत बेहतर है उनकी जिंदगी जो अल्लाह की राह में शहीद होते हैं। तो 15 शव्वाल को जंगे बहुत वाकई हुई। अनफॉर्चुनेटली द रिजल्ट्स ऑफ दिस बैटल वाजंट इन द फेवर ऑफ मुस्लिम्स, इन द फेवर ऑफ बिलीवर्स, मुसलमानों के हक में नहीं थी इसके नतीज। उसकी वजह भी ये थी कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ग्रांटेड ए सक्सेस, ए विक्ट्री फॉर द एंटायर मुस्लिम नेशन उम्मा। It is just because they follow the footsteps of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unko kamyabi Allah isliye deta hai ki wo huzoor ki pairvi karte hain. Jange Uhud mein jo musalmanon ko qareeb qareeb shikast hone ki bahut bada nuksan jo musalmanon ko pahuncha, uska basic reason ye tha ki huzoor ne jo taleemat ata farmayi thi, the guidelines, the instructions given by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it wasn't followed. जो हुजूर ने directions दिए थे, जो हुजूर ने बताया था, उन चीजों को follow नहीं किया गया। हुजूर जानते थे जो जो मामला होंगे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, if we have visited जो ground है मैदान उहद मदीनतुल मुनव्वरा के पास, वहाँ गए होंगे तो आपने देखा होगा कि आज भी वहाँ पे एक टेला है जिसको
जबलुर्रमा कहा जाता है, जबलुर्रमा यानी तीर अंदाजों वाला पहाड़। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मोर देन अबाउ 50 सोल्जर्स सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि यू हैव टू बी देयर, आपको वहीं खड़े होना है, अगर जंग हम जीत जाएं कुछ भी हो जाए, यू आर नॉट कमिंग डाउन फ्रॉम देयर अंटिल आई होल्ड यू। लेकिन हुआ ये कि जब जंग शुरू हुई तो इब्तिदा में मुसलमान गालिब हुए, तो जो तीरंदाजों को 50 के करीब हुजूर ने वहाँ खड़े होने का हुक्म दिया था, उन्होंने देखा कि अब मुसलमान जंग जीत चुके हैं, हम गालिब आ चुके हैं, तो वो वहाँ से नीचे आ गए। लेकिन जो हुजूर की निगाहें जानती थी, देखती थी, वो सब नहीं देखते। खालिद इब्ने वलीद ही वाज़ एक्सेप्टेड इस्लाम एट द टाइम, वो भी इस्लाम उन्होंने कबूल नहीं किया था। उन्होंने पीछे का चक्कर काट करके जहाँ से हुजूर ने तीरंदाजों को खड़ा किया था, जब वहाँ से हट गए तो वहाँ से आकर के फिर हमला किया, और नतीजा ये हुआ कि तकरीबन 70 के करीब सहाबा इकराम शहीद हुए, 70 के करीब सहाबा इकराम शहीद हुए। इसलिए कुफार ने इसे अपनी फतह के तौर पर मनाया। अब उन सहाबा में बहुत सारे अंसारी सहाबी थे, बहुत सारे मुहाजिरीन की तादाद कम थी, लेकिन अंसारी सहाबा 50 से ज़ायद सहाबा उसमें शहीद हुए, यहाँ तक कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सब का इज्जत, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जख्मी हुए। बहुत सारे वाक़यात थे जंग वाले में, लेकिन हमें आज हज़रत अमीर हमजा पे बहुत मुख्तसर आपको बताना है। हज़रत अमीर हमजा हाउ ही एक्सेप्टेड इस्लाम, ही ऑलवेज लव्ड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, He was taking care of beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, huzur ka bahut khayal rakhte. One day what happened, he used to go for shikar, huzur wo hunting ke liye jaya karte, it was one of the, his favorite hobbies. Wo shikar ke liye gaye, and whenever he went goes for hunting and when he comes back, to wo he used to walk very proudly. Jab wo shikar karke wapas aate, ye unke islam lane ki pehle ki baat hai, jab wapas laute to bahut fakhirana chal chalte. एक दिन ऐसा हुआ कि ऐसे ही चाल चल के आ रहे थे, लेकिन उससे पहले सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में काबा शरीफ की तरफ जा रहे थे। जब हुजूर काबा के करीब जा रहे थे तो अबू जहल मिला, कुछ बात हुई, उसने गाली गलौज की, यहाँ तक कि उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्टेड ब्लीडिंग, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन से खून बहने लगा। फिर हुजूर मक्का शरीफ काबा शरीफ के पास गए, बैठ गए, दो लौंडियाँ थी, उन्होंने इस चीज़ को देखा कि अबू जहल ने जो किया। हज़रत हत्या भी हमजा भी इस्लाम नहीं लाए, लेकिन शिकार से वापस आ रहे थे तो फाखिराना चाल चलते हुए आ रहे थे, तो उन्होंने कहा, उन दो लौंडियों ने बात करते रही, आप फाखिराना चाल चले तो क्या हुआ, आपके भतीजे को तो जरा देखें, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल ने उनका क्या हाल किया। आपने मालूम किया तो पता चला उसने हुजूर को बहुत तकलीफ पहुंचाई, आपके हाथ में तीर कमान था हज़रत अमीर हमजा, वो गए उसी तीर कमान से अबू जहल के सर पे मारा, सर पे मारा और कहा, मेरे भतीजे से दूर रहना तू क्या समझता है, उसे धमकी दी। फिर वापस हुजूर की बारगाह में फिर आकर के कहा, मेरे भतीजे तुम खुश हो, अब आप खुश हैं, मैंने आपका बदला ले लिया। तो हुजूर ने कहा कि चाचा मैं बदले से खुश नहीं होता हूँ। हुजूर ने फरमाया कि मैं बदले से खुश नहीं होता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको खुश करने के लिए करूँ तो क्या करूँ। तो हुजूर ने फरमाया, चाचा जिस रब को मैंने अपना खुदा माना है आप भी माने, मैं खुश हो जाऊँ। इतना कहना था, कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो, जब आप मुसलमान हुए उसी के 3-4 दिन के फासले में हज़रत उमर मुसलमान हुए, फिर उसके बाद मुसलमानों ने एलानिया इबादत करना शुरू की, अल्लाह ने उनकी इस्लाम लाने से बहुत कुव्वत और तक़वियत इस्लाम को पहुंचाई। उसके बाद फिर हिजरत हुई, जंग बद्र हुई, आप जंग बद्र में शरीक रहे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा हमेशा रहा करते। बद्र में जो सबसे पहले मुजाहिदीन मैदान में उतरे उनमें एक हज़रत हमजा भी था, हज़रत हमजा भी था। फिर मैदान उहद हुआ, उहद में जो जंग बद्र में कुफार मारे गए थे उसमें हज़रत हिंदा जो कि इस्लाम नहीं लाई थी, शी इज़ एक्सेप्टेड इस्लाम एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ उहद, her father, her brother, they were killed by Hazrat Hamza in the battle of Badr. जंगे बद्र में के भाई और वालिद और दूसरे रिश्तेदारों को हमजा ने कत्ल किया था। तो she offered a Ethiopian slave जो उस वक्त गुलाम हुआ करते थे वहशी, वो भी इस्लाम नहीं कबूल किया था, उन्होंने भी इस्लाम कबूल नहीं किया था, ने कहा कि अगर तुम हजरत हमजा को शहीद कर दो, I'll set you free, तुम हज़रत हमजा को शहीद कर दो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी। तो वहशी नेज़ा मारने में बहुत माहिर थे, नेज़ा फेंक के मारने में बहुत माहिर थे, तो वो नेज़ा लेकर के मैदान उहद में पहुंचे, जंग शुरू हुई, हज़रत हमजा भी जंग में थे, हज़रत हमजा लड़ रहे हैं, वहशी खुद कहते हैं कि आई वॉज हाइडिंग बिहाइंड ए माउंटेन,
waiting for Hazrat Hamza. मैं पहाड़ के पीछे छुप के हजरत हमजा ही को देखता रहा। वो तो शेरों की तरह लड़ते रहे। फिर मुझे मौका मिला, मैंने पीछे से बर्शी जोर से मारी। जैसे ही मैंने नेजा मारा तो वो नेजा पीठ से निकल करके पीठ से दाखिल होकर के सीने की तरफ से पार हो गया, पार हुआ। तो फिर हजरत हमजा की शहादत उसी वजह से हुई। देन व्हाट हैपेंड, आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की नाक काटी गई, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह के कान काटे गए, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह का जो लीवर कलीजा था उसे बाहर निकाला गया। हिंदा जिसने भी इस्लाम उन्होंने कबूल नहीं किया था, उन्होंने उसे कच्चा चबाया। उन्होंने ये किया था कि मैं ऐसा करूंगी बदले कलीजे को कच्चा चबाया। फिर जब सब चले गए तदफीन की बारी आई, तो उसके बाद हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला की लाश थी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरें थी, हुजूर की आंखों से बेपनाह आंसू बह रहे थे, क्योंकि चेहरे को बिल्कुल बदल दिया गया, बदन को छलनी कर दिया गया था, हुजूर से देखा नहीं गया। आपकी बहन थी हजरत सफिया, हजरत सफिया आपकी बहन हुआ करती थी, वो आने लगी तो हुजूर ने कहा कि रोक लो बहन को, शी कुडंट सी, वो देख नहीं पाएंगी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। लेकिन जब उनसे कहा गया, हजरत जुबैर इब्ने अवाम ने जाकर के कहा कि आप नहीं देख पाएंगे, तो कहा कि नहीं, जो होगा होगा, हमजा ने अपनी जान अपने रब की राह में खर्च की, कुर्बान की है, मैं जो भी होगा देखूंगी, लेकिन अल्लाह की राह में सब्र करूंगी, सब्र करूंगी। फिर हजरत हमजा की तदफीन का जब वक्त आया तो सिर्फ दो कपड़े जब लाए गए कफन के लिए, तो उसमें एक कपड़ा छोटा था और एक कपड़ा बड़ा था। अब हजरत हमजा की लाश के बगल में एक अंसारी साहबी थे, उनकी लाश भी थी। अब दो कपड़े थे, किसको बड़ा कपड़ा दिया जाए कफन में, किसको छोटा कपड़ा दिया जाए कफन में। लोगों ने कहा कि हुजूर हजरत हमजा को देते हैं। हुजूर ने कहा कि नहीं, शहीद तो दोनों हैं, ये मेरे चचा हैं, वो साहबी मेरे चचा नहीं है, लेकिन शहीद तो दोनों हैं। मैं मोहम्मद अरबी इंसाफ करने के लिए आया, इंसाफ करने के लिए। फिर हुजूर ने वो जो दो कपड़े थे उनमें कुरानदाजी की, कुरानदाजी, यू नो इट्स लाइक एन ऑफ टॉस, चलो जो जीतेगा उसको बड़ा कपड़ा मिल जाएगा जिसका कुरान निकलेगा, और जो नहीं जीतेगा उसको छोटा मिलेगा। फिर ये हुआ कि कुरानदाजी जब की गई तो वो कुरान में हजरत हमजा का नाम नहीं आया, तो जो दूसरे साबित उनका नाम आया, तो बड़े कपड़े से उनको कफन दिया गया, और जो छोटा कपड़ा था उससे हजरत हमजा को कफन दिया गया। कपड़ा ऐसा था कि अगर सर ढांपते तो पैर खुल जाते, पैर ढांपते तो सर खुल जाता। अब जरा सोचिए तो सही, ये दुनिया से गए ऐसे कि इन्हें मुकम्मल कफन मयसर नहीं आया, लेकिन अजमत का हाल ये है कि 14 सदियां गुजर गई, पूरी दुनिया उनकी हिम्मत को सलाम करती है। आज कपड़े तो क्या अलमारियों की अलमारियां भरी हुई हैं मुसलमानों के पास, लेकिन दुनिया से चला जाए तो दुनिया तो दूर की बात है, घर वाले भी याद नहीं करते। याद क्यों? क्योंकि वो दीन के लिए, वो दीन के लिए गए, नबी के लिए गए, अल्लाह के लिए गए, तो अल्लाह ने उनको मकाम और मर्तबा अता फरमाया। फिर असगर जो खास थी वो आपके कदमों पे डाली गई, पैरों को घास से, ग्रास ऑन द ग्रास व्हिच नोन एज असखर, उससे हिज लेग वर कवर, आपके पैरों को उससे ढांपा गया। और रिवायतों में आता है कि तकरीबन 70 मर्तबा आपकी नमाज जनाजा अदा की, 70 times। होता ये था कि जनाजे आते आते हमजा की नमाज जनाजा अदा की गई, फिर जनाजा आता हुजूर की नमाज जनाजा, तकरीबन 70 मर्तबा नमाज जनाजा हमजा की अदा की गई, रिवायत भी थी। फिर पहुंच के कब्रिस्तान में दफन किया गया। अब आप सोचिए, दुनिया में बहुत सारी कब्रें ऐसी हैं, मज़ारात ऐसी हैं कि जिन पे ख्वाजा साहब ने हाजिरी दी होगी, दाता साहब ने हाजिरी दी होगी, गौसे आजम ने हाजिरी दी होगी, हजरत गंजबख्श ने हाजिरी दी होगी, निजामुद्दीन औलिया ने हाजिरी दी होगी, साबिर पाक ने हाजिरी दी होगी, ये सब हाजिरी देते हैं दुनिया वालों की और की बहुत सालों की मज़ारात पे, लेकिन हजरत हमजा की मजार वो है जिस पे हाजरी खुद आमिना के लाल नबियों के ताजदार जाने, खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके मजार पे हाजरी दी। हुजूर बार बार, बाज़ रिवायतों में आता है कि हर हफ्ता हुजूर जाया करते, और सालाना की भी रिवायत मिलती है, मुतअद्दिद मरतबा हुजूर वहां हाजरी देते। इसीलिए फरमाया गया कि जो हजरत हमजा की मजार पे हाजरी दे दे और फिर हुजूर के आस्ताने पे आके दुआ करे तो अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं फरमाता, वो दुआ कबूल होती। फिर हजरत हमजा को वहां दफन किया गया,
उहद में। अब ये वाकया हुआ है दो हिजरी में, दो हिजरी में रफली दो तीन हिजरी के आसपास ये वाकया हुआ है, और हज़रत हमजा को दफन किया गया। दो हिजरी गुजर गई, दस गुजर गई, हुजूर का जमाना गुजरा, हज़रत अबू बकर का गुजरा, हज़रत उमर का गुजरा, हज़रत उस्मान का गुजरा, हज़रत अली का गुजरा, फिर अमीर माविया का जमाना आया। हज़रत अमीर माविया का जमाना आया, जब उनका जमाना आया तो एक प्लान बना के उहद का जो पहाड़ है, वो जो इलाका है, वहां से एक नहर बनाई जाए पानी के लिए, वो खोदा कैनल खोदा जाए पानी के लिए। तो फिर नहर खुजामा खोदने का प्लान हुआ। जब वो नहर खोदी जाने लगी, उसमें बहुत सारे सहाबा थे, इसे हजरत इमाम मालिक ने और दूसरे बहुत सारे बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिखा है कि जब वो खोदी जाने लगी तो शहदाए उहद जो थे, शहदाए उहद, उनकी कब्रें भी खुल गई, उनकी कब्रें खुल गई, तो बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में, व्हाट आई एम टॉकिंग, इट इज नॉट अबाउट 100 इयर्स बिफोर, आई एम टॉकिंग अबाउट रफली मोर देन 350 इयर्स बिफोर, आज से 350 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, मोर देन दिस। उस वक्त बहुत सारे ताबईन थे, अकाबिर अकाबिर बुजुर्गाने दीन थे, सहाबा इकराम की तादाद थी, उन सब ने देखा कि शहदाए उहद की जब लाशें खुली, कुछ की कब्रें खुली, तो क्या देखा कि उनके चेहरे ऐसे तरोताजा थे कि वो अभी लेटे, और उनके बदनों पे जहां जहां जख्म थे वहां वो हाथ रख करके लेटे हुए, हाथ रख करके। और जिन लोगों ने देखा उनके ये गवाहियां बताती हैं कि जब उनके बदन पे जो हाथ उन्होंने जख्मों पे रखे हुए थे, तो जब उनकी लाश को मुंह किया जाता तो हाथ अगर हिल जाता, हट जाता जिस जख्म पे था, तो वहां से खून ताजा बहना शुरू हो गया। अब कुरान की वो आयत देखिए और ये शहादत देखिए कि शहीद जिंदा है। अब फिर कहते हैं कि वही जो खुदाई का टाइम था, उस खुदाई के दरमियान में हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला की भी लाश थी, आपके बदन से खून जो हाथ रखे हुए थे हटाए जाते तो वहां से खून निकलता, फिर किसी की कदार आपके कदम पे लग गई उस खुदाई के दरमियान। कहते हैं कि जब कदार लगी तो जिस जगह वो खुदाई का सामान था वो लगा, तो वहां से ताजा खून निकलने लगा, ताजा खून निकलने लगा। हजरत हमजा की लाश मुबारक के वाकया एक दो नहीं है, कई सहाबियात ने, कई उलमा ने और बहुत सारे ताबईन ने इस बात का मुशाहदा किया कि एक तो खुदाई के दरमियान में और एक सैलाब जब आया उहद में, तो उस दरमियान में देखा कि जब आपकी लाश जाहिर हुई। और बहुत सारे ऐसे गवाह हैं, शेख महमूद सवाब वो लिखते हैं कि मैं हजरत हमजा की मजार पे हाजिर था और मैंने जाकर के हजरत हमजा की मजार पे कहा, अस्सलाम वालेकुम या सैयद शहदा। जब मैंने सैयद शहदा कहकर के उनको सलाम किया तो मुझे वहां से जवाब मिला, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम। और फिर ये भी कहा कि अल्लाह तुम्हें एक बेटा अता करेगा, तुम अपने बेटे का नाम हमजा रखना, तुम अपने बेटे का नाम हमजा रखना। इसीलिए बहुत सारे उलमा फरमाते हैं नेक औलाद की दुआएं जो हजरत हमजा की मजार पे की जाएं, अल्लाह ताला उनकी औलाद को नेक बना देता है, अल्लाह उनकी औलाद को नेक बना देता है। तो हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियां, आपकी जान निसारी, इस सैक्रिफाइस फॉर इस्लाम, फॉर दीन, फॉर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काउंटलेस, हम सबको बयान नहीं कर सकते। आपकी बहादुरी ऐसी है कि जब हजरत उमर इस्लाम लाने के लिए आए, पीपल यूज्ड टू फियर हजरत उमर, पीपल स्केयर्ड ऑफ हजरत उमर बिकॉज ही वाज नोन फॉर हिज आपके मिजाज के अंदर जो गर्मी थी उसके लिए वो जाने जाते थे। When he was coming to the home of Hazrat Arqam where Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was there before the accepting Islam of Hazrat Umar, तो जब वो आने लगे तो लोगों ने कहा कि उमर आ रहे हैं, क्या करें यहाँ से। तो फिर हजरत हमजा इस्लाम ला चुके थे कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा कि उमर अगर अच्छे इरादे से आ रहे हैं तो भी वेलकम, अगर अच्छे इरादे से आ रहे हैं हम उनका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर उमर का इरादा गलत होगा तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है, उमर की तलवार से उमर की गर्दन जुदा कर दी जाएगी। तब आज हजरत हमजा वो थे जो ना कभी डरते थे और राह खुदा में इतनी कुर्बानियां आपकी थी, इस कदर राह खुदा में आप कुर्बानियां पेश करते जो बयान करने से कासिर है। इट इज अवर हिस्ट्री, इट इज अवर हिस्ट्री, दीज आर अवर हीरोज। वन अनफॉर्चुनेटली मेनी मेनी ऑफ अवर यूथ की बात जाने दीजिए, मेनी ऑफ अवर एडल्ट जो नौजवान हैं, नौजवानों की बात, जैसे बुजुर्गों की बात,
they don't know about Hazrat Hamza, they don't know about these martyrs, they don't know about these heroes, they know about Messi, है ना? Messi को जानते हैं, Maradona को जानते हैं, ठीक है, और many many soccer players, they know they are crazy going after Mohammed Salah, उसके बारे में सब जानते हैं, but unfortunately they don't know the real heroes of Islam. They don't know the real heroes. They created history because of their sacrifices. Now we are enjoying Islam because of their qurbani, because of their shahadat. Now we got a chance to practice Islam. Agar unki qurbaniyan nahi hoti to pata nahi picture kya hoti, pata nahi halaat kya hote. Unki qurbaniyan thi jisne Islam ko aage badhaya. कि अगर आप अब इन फुटबॉलर्स को जानते हैं हीरोज की तरह, तो ये तो इस लायक नहीं है कि यू कंसीडर दैट यू आर हीरो, योर रियल हीरो आर द कंपेनियंस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. आपके हकीकी जो हीरो होने हैं, आइडियल होने, वो हुजूर के सहाबा हैं. अपने बच्चों को इन सहाबा के बारे में बताओ, अपने बच्चों को इनके कुर्बानियों के बारे में बताओ, अपने बच्चों को इनकी जो जो दीन के लिए इनकी शहादतें हैं उसके बारे में बताओ, ताकि जब आपके बच्चे बड़े हों, जब आपके बच्चे बड़े हों, तो वो आइडियल इसी सॉकर प्लेयर्स को या सेलिब्रिटीज को देख करके ना हो, उनको आइडियल ना माने, बल्कि ये आइडियल इन सहाबा को माने. जब सहाबा को आइडियल मानेंगे तो सहाबा जैसे आशिक रसूल थे, तो उनके सत्य आपके बच्चे गुलाम रसूल बन जाएंगे, गुलाम रसूल बन जाएंगे. अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सआदत अता फरमाए कि हम बुजुर्गों की याद में और बुजुर्गों की मोहब्बत में जिए. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि शोदाए ओहद के नाम से अपने घरों में जो भी मेरी बहनें मेरी बातों को सुन रही हैं, आई वेरी काइंडली हंबली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू अरेंज ए फातिहा ए खत्म इन योर होम विद द नेम ऑफ द मार्टिर्स ऑफ ओहद, बैटल ऑफ ओहद, एंड स्पेशली मोस्ट स्पेशली विद द नेम ऑफ हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला, उनके नाम से आप फातिहा पढ़ने का एहतमाम करें, दुआएं करें. अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाएगा. वमा अलैना इल बलाग. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.